नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव के बाद बंद किए गए श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूल सोमवार को खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही पिछले कई दिनों से घरों में कैद बच्चे अब स्कूल की रौनक बढ़ाते नजर आएंगे। हालांकि सीनियर कॉलेजेस के स्कूलों को खोलने का फैसला हालात की समीक्षा के बाद ही होगा। इन सब के बीच हर हालात से निपटने के लिए सेना समेत अन्य सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। श्रीनगर के जिन क्षेत्रों में स्कूलों को खोला जा रहा है उसमें लासजान, सागरी, पथ चौक, नौकाम, राजबाग, जवाहर नगर, गगरीबल, थाराथीड़, बाटमालू और शटलिंग शामिल है। प्रशासन के मुताबिक स्थिति सामान्य होते ही धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों के स्कूल में भी पढ़ाई शुरू हो पाएगी। स्कूलों के खुलने के साथ ही घाटी में दूसरी पाबंदियां में भी लगातार ढील दी जा रही है। कश्मीर घाटी के 50 पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई। हालांकि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में हिंसा के छिटपुट घटनाओं के बाद प्रतिबंधों को भी कड़ा कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाओं की बहाली के एक दिन बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 300 हज जायरीनों का पहला जत्था रविवार को सऊदी अरब से कश्मीर वापस लौटा है। उन्होंने बताया कि जायरीनों की सुरक्षित घर वापसी के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। टूटा 5 साल का रिकॉर्ड, हथनी कुंड से छोड़ा गया सबसे अधिक पानी, दिल्ली में आ सकती है आफत। जी हाँ, बारिश से हरियाणा और पंजाब में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 2 दिन से पहाड़ों में हो रही तेज बारिश ने हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर कर दिया है। हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी के जल स्तर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते रविवार शाम 5 बजे तक हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जल स्तर 8,14,000 दर्ज किया गया था। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रविवार को यमुना के जल स्तर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और शाम 6 बजे जल स्तर 8,28,000 क्यूसेक को भी पार कर गया, जो खतरे के निशान से 8 गुना ज्यादा है। जिसके चलते सिंचाई विभाग की तरफ से यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इन चारों जिलों में यमुना के जद में आने वाले रिहायशी इलाके खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार को भी सूचना भिजवा दी गई है। 72 घंटे के भीतर पानी के इस खतरनाक लेवल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में बाढ़ के आसार बन गए हैं। हथनी कुंड बैराज बनने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा पानी 17 जून 2013 को 8,06,464 क्यूसेक दर्ज किया गया था, जबकि पिछले साल 7.5 लाख क्यूसेक पानी आया था। 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ताजेवाला हेडक्वार्टर्स पर भी इतना ज्यादा पानी पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे बुलाई गई इस बैठक में यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर तैयारी पर बातचीत की जाएगी। बैठक में बाढ़ पर राहत कार्य से संबंधित दिल्ली की तमाम एजेंसियों को बुलाया गया है। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य के 60 बड़े नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इन बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। जून मास के टीडीपी छोड़कर बीजेपी में आए लंका दिनकरन ने कहा, जहां तक तेलंगाना बीजेपी का संबंध है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, ये तेलंगाना के लिए सकारात्मक संकेत है। दिनकरन ने कहा, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई नेता कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं। नड्डा ने कहा, सितंबर में 8 लाख बूथ पर चुनाव होंगे, अक्टूबर में मंडल चुनाव कराए जाएंगे और नवम्बर में जिला स्तर के चुनाव होंगे। 15 दिसंबर तक सभी राज्यों के चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। 31 दिसंबर से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में एक आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनी के लिए ऐड करने से मना कर दिया है। पतले होने की दवाई का प्रचार करने पर 10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं बेच सकती जिस पर मुझे विश्वास ना हो। पतले होने की दवाइयां और फीड डाइट देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और वो जल्द परिणाम भी देते हैं। वहीं शिल्पा के इस कदम की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिल्पा के इस कदम की तारीफ करते नजर आए। शिवराज ने रविवार को इस मामले में 2 ट्वीट कर कहा, अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, समाज के प्रति सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी होती है, जिससे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बखूबी निभाया। उन्होंने फिल्म पिल्स के विज्ञापन के 10 करोड़ के ऑफर को केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट के परिणाम पर भरोसा नहीं था। ये उनका सराहनीय कदम है, मैं अभिनंदन करता हूँ।
वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी जल्द शब्बीर खान के निर्देशक में बनी फिल्म निकम्मा से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही है। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी के साथ नजर आएंगी। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में शिल्ले शोटिया भी होंगी। शिल्पा ने इस बात की घोषणा अपने सोशल मीडिया पर भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली की शानदार उपलब्धियों को देखते हुए दिल्ली एंजिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA ने फिरोजशाह कोटला मैदान का एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली के दो अनपूर्व खिलाड़ियों बिशन सिंह बेदी और मोहिंदर अमरनाथ के नाम पर भी कोटला में स्टैंड है, लेकिन उन्हें ये सम्मान संन्यास लेने के बाद मिला। विराट कोहली सबसे युवा सक्रिय क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर स्टेडियम में स्टैंड होगा। DDCA अध्यक्ष रजत शर्मा ने अपने बयान में कहा, विश्व कप में विराट कोहली के शानदार योगदान ने DDCA को गौरवान्वित किया है। कई उपलब्धियों और कप्तानी में रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें उन्हें सम्मानित करने में खुशी होगी। वीरेंद्र सहवाग और अंजुम चोपड़ा दिल्ली के दो अन्य क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर फिरोजशाह कोटला में गेट है, जबकि हॉल ऑफ फेम गैलरी को पूर्व भारतीय कप्तान MK पटौदी का नाम दिया गया है। DDCA के साथ ही भारतीय टीम के सदस्यों को 12 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यादों को सहेजने के लिए DDCA एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखना चाहता है। मुझे यकीन है कि विराट कोहली स्टैंड दिल्ली के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। हमें खुशी है कि टीम इंडिया के सिर्फ कप्तान ही दिल्ली के रहने वाले नहीं है, बल्कि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, विकेट कीपर ऋषभ पंत और प्रमुख तेज गेंदबाज ईशान शर्मा भी दिल्ली के ही हैं। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव खबर।